नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दतिया में स्वतंत्रता दिवस की 72वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई और बहुत ही आन वान और शान के साथ तिरंगे को लहराया गया। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मामला तितावी गांव के खटीकान मोहल्ले का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मकान में छापेमारी करके तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जहां पुलिस ने मौके से अधभने तमंचों सहित भारी मात्रा में कारतूस के साथ तमंचा बनाने के उपकरण भी बरामद किए। साथ ही पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। देश की आजादी की 72वीं वर्षगांठ बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। देश का हर नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर आजादी के जश्न में शिरकत कर रहा है। मेरठ में सरकार के आदेशों का पालन करते हुए मदरसों में जश्न आजादी का कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि मेरठ के सबसे बड़े मदरसे मनसाबिया अरबी कॉलेज में सरकार के निर्देशों का पालन बखूबी किया जा रहा है। इस दौरान बच्चों ने आजादी की लड़ाई में शामिल हुए क्रांति वीरों को याद किया और उनकी शहादत की यादें ताजा की। 15 अगस्त जश्न मनाया जा रहा है। आज हमारा जो है मुल्क आज़ाद हुआ 72 साल हो गया और उसकी खुशी में हम ये प्रोग्राम अपने कॉलेज में इदारे में मना रहे हैं। तमाम लोगों को इस मौके पर मुबारकबाद देते हैं और हर बरदरी जात और मजहब बिना किसी जो है उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। हम चाहेंगे खुशी खुशी आज का दिन सब मनाया जाए और हमेशा इस्तेमाल किया जाए कि हमारा आज़ाद है और सबको बराबर का हक हासिल है। सब मिलजुल के अपने करके निर्माण में अपना सहयोग करें। और पूरे भारत में आज नाग पंचमी भी मनाई जा रही है। हिंदू धर्म के सभी लोग सांपों को बहुत महत्व देते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रवण मास की शुक्ल पंचमी नाग पंचमी के रूप में मनाई जाती है। फरुखाबाद में भी नाग पंचमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। श्री महाकाल मंदिर में नागपति वासुके पर विशेष पूजन किया गया। मंदिर में स्थित तक्षक नागचंद्र मौलेश्वर का पूजन करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कई श्रद्धालुओं ने काल सर्पदोष का पूजन भी कराया। वहीं सपेरों ने घर घर जाकर सांप दिखाए और लोगों ने सांपों को दूध पिलाया, साथ ही सपेरों को दक्षिणा भी दी। और आज 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे ही कोई अनहोनी ना हो, इसके चलते सीतापुर में पुलिस अधिकारी गश्त पर निकले। पुलिस अधिकारियों ने मुख्य बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित शहर के कोने कोने की जांच की। बता दें कि पुलिस की पैनी नजर उन शरारती तत्वों पर भी है जो 15 अगस्त के दिन कुछ गड़बड़ करने की कोशिश में रहते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए लाइव खबर।